सो so, हेलो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका आज के सेशन में जहां हम सर डिस्कस करेंगे क्या सी ए फाइनल ऑडिट के एम टीपी वन के जितने भी प्यारे प्यारे नए नए क्वेश्चन हैं फॉर योर नवंबर 24 एग्जाम सर क्या एम एम पी आरटीपी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई साहब इंटरमीडिएट में अभी रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है जो भी नए नए क्वेश्चन पूछते हैं रिसेंट एम टीपीज में सिमिलर टू सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है तो मेक श्योर sure इन चीजों को आप अच्छे से कवर करके चल रहे हो फॉर योर एग्जाम्स सर ये वाला पीडीएफ हमको कहा मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा वहां पे आपको इस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा सबसे पहले सर एमसी की उसकी बात करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा है मजा आएगा देखो क्या कहता है मिस्टर राजन इज अ सीईओ ऑफ अ मिड साइज कंपनी जिसके पास क्या है? सर एक मेल आई जिसमें उसको बोला गया जल्दी 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 अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स ड्यू टू अ सपोज्ड सिक्योरिटी ब्रीच कौन सी अकाउंट की डिटेल्स है सर ध्यान से समझना ये जो मेल है इट वॉज अपियरिंग टू बी रिसीव फ्रॉम कंपनीज बैंक अकाउंट ऐसा लग रहा है कंपनी के बैंक अकाउंट से आई है और इसमें से फील आ रही है कि दिस इज अफिशियल मेल क्योंकि इसमें बैंक का लोगो भी है और बैंक की ब्रांडिंग भी है ये जो ई है इसमें एक लिंक है लिंक किसका है किसी वेबसाइट का है जो बैंक का लॉग पेज जैसा दिख रहा है कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंस राजन बेचारा टेंशन में आ गया और इसने लिंक पे क्लिक कर दिया जैसी लिंक पे क्लिक करके पहुंचा बैंक की साइट पे इसने अपने लॉग इन भी डाल दिया लेटर द कंपनीज कंपनी डिपार्टमेंट डिटेक्ट्स की डिटेक्टोराइज एक्सेस हो गया है किसमें कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में और देखा गया कि जो सीईओ था ना राजन इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं दे हैव बीन यानी अब ये लीक हो चुके हैं गलत हाथों में आ गए हैं प्लीज टेल वॉट इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक तो यहाँ पे सर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं क्या स्मिशिंग वेलिंग स्पियर फिशिंग विशिंग सर ये सब क्या होते हैं ये हम डिजिटल ऑडिटिंग में पढ़ते हैं दीज आर टाइप्स ऑफ फिशिंग फिशिंग मतलब झांसा डालना जाल डालना ताकि आप मछली को पकड़ सको तो सर यहां पे झांसा कैसे डाला जाता है स्मिशिंग में आप एसएमएस के थ्रू लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हो वेलिंग में क्या होता है सर वेलिंग में बड़ी बड़ी मछली पकड़ी जाती है बड़ी बड़ी मछली यानी बड़े बड़े लोग जो कंपनी के बड़े लोग होते हैं उनको बोलते हैं सीनियर और सी लेवल एम्प्लॉयज जैसे कि इस केस में था सीईओ तो सर इसका मतलब आंसर वेलिंग हो सकता है अब सर ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्पीयर फिशिंग स्पीयर फिशिंग का मतलब है जिस मछली पे झांसा डाला उसी को पकड़ना है यानी मैं एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ता हूं और कैसे पकड़ता हूं बाय अ ईमेल क्या इस केस में ईमेल भेजी गई थी हां प्लस स्पीयर फिशिंग में एक कॉन्सेप्ट और होता है सर क्या एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ते हैं थ्रू अ ईमेल और उसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है क्या मैं बोल दू स्पियर फिशिंग के भी भी तीन पॉइंट्स मैच हो हो गए सर तो ये आंसर सकता है और विशिंग में वॉइस कॉल होती है वॉइस कॉल की बात नहीं करी तो अब मुझे बताओ एक केस ऐसा है जिसमें आपका एक पॉइंट मैच हो रहा है सीईओ जो कि वेलिंग है एक केस ऐसा है जिसमें आपके तीन पॉइंट मैच हो रहे हैं जिसका नाम है स्पियर फिशिंग वट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रियट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बदमाश लोग है इनको ना यहाँ पे सीओ लिखना ही नहीं चाहिए अरे भाई जब तुम बच्चे से वेलिंग ठीक ही नहीं करवाना चाहते तो सीओ लिख के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो वैसे ही बच्चा डिजिटल ऑडिटिंग की तरफ नहीं जा रहा और ऐसे मजेदार क्वेश्चन बना के उसको थोड़ा और कंफ्यूज कर रहे हो सो so यहाँ पे मोस्टली जनरली बोथ बी एंड सी बिकॉज़ हम एक टारगेटेड इंडिविजुअल को पकड़ रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग अटैक सर सोशल इंजीनियरिंग अटैक मतलब थ्रू सम सोशल प्लेटफॉर्म यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अदर पर्सन एंड शेयर द इनफॉर्मेशन सो येस इट कुड वेलिंग ऑल्सो बट मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी स्पेयर फिशिंग बात समझ आती है आती है सर इसके अलावा अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू ये क्या बात करता है सर ये बात करता है डीएफएल लिमिटेड की इसने इनवाइट करे टेंडर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर दिल पे हाथ रख के बताओ क्या एज अ पर्सन मैं टेंडर में अप्लाई कर सकता हूं फॉर बिकमिंग अ स्टेचुटरी ऑडिटर आंसर इज येस कब जब सर मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब से विद मी फीस हेज बीन प्रिस्क्राइब अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो मैं क्या हो जाऊंगा इस केस में आप गिल्टी हो जाओगे तो यह क्या कहते हैं सर टेंडर इज एक्सक्लूसिवली फॉर चार्ट अकाउंटेंट ऑब्वियसैचूडिट और कोई कर नहीं सकता और जो फॉर्म है उसने टेंडर सबमिट कर दिया

कुछ पेमेंट हुई है और लीगल काउंसिल्स हुई है तो मुझे बताओ ये सब किसके इंडिकेटर है सर जब इन्होंने लीगल काउंसिल को पेमेंट कर तो पक्की बात है कोई लीगल केस चल रहा होगा गवर्नमेंट hmm. एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं इसका मतलब घूस खिला रहे हैं अन कैश पेमेंट्स कर रहे हैं मतलब पीएमएलए एक्ट की कोई दिक्कत हो सकती है इनकम टैक्स एक्ट की कोई दिक्कत हो सकती है ब्लैक मनी हो सकता है फाइनस पेनल्टीज पे कर रहे हैं मतलब नॉन कंप्लायंस है तो द राइट आंसर विल बी बी डाउट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉस इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जनरली हम डाउट की बात यहां नहीं करते अकाउंटिंग सिस्टम की बात नहीं करते गोइंग कंसर्न की नहीं करते सर आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे पकड़ लिया क्योंकि मैं ऐसे 250 पढ़ चुका हूं क्योंकि एसे 250 फिफ्टी की अगर आप लास्ट में टॉपिक देखोगे तो इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस में यही सारी बातें वहां लिखी होती हैं

मैंने कहा हमेशा जरूरत होती भी नहीं हमेशा जरूरत होती भी नहीं अगर एंटिटी के हेल्दी ऑपरेशन हैं तो यहां पर नीड भी नहीं है बट हां अगर यहां पर कोई दिक्कत की फील आ रही है तो फिर इनको गोइंग कंसर्न असेस करना चाहिए और अगर नहीं करेंगे इसका मतलब हमारे पास गोइंग कंसर्न को लेके एविडेंस नहीं है और अगर एविडेंस नहीं है तो दो ही ओपिनियन पॉसिबल होते हैं क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर तो आ जाओ जल्दी से एक बार क्वेश्चन में देखते हैं एंटिटी का हाल क्या चल रहा है तो ये देखता है

इन कंडक्टिंग द इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट दे प्लेस द रिलायसिंग बैलेंसिस ड्यूरिंग दर डिंग दर ऑब्जर्व कंपनी इज अने कर रहे लोन एग्रीमेंट से ये सारे क्या होते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर सर ये फाइनेंशियल घने बादल हैं कि एन टी टी के फाइनेंसिस की बजी पड़ी है मोर ओवर की रेशियोज भी इनके लाल हो रहे होंगे एडवर्स हो गए हैं इन्होंने मैनेजमेंट को का असेसमेंट दो तो देखो अगर सब हेल्दी चल रहा था हमें असेसमेंट चाहिए भी नहीं थी बैंड बजी हुई है इसलिए असेसमेंट 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 मांगी और मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने इनको नहीं नहीं दी तो बाबू जब आपके पास की ही है एविडेंस सबस्टिट्यूट ऑफ डी एम आर एस जर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्टिंग एस पर एस एफ सेवेंटी और सेपरेट ओपिनियन इंडिविजुअल मैटर नो सर फिर यह कहता है ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एविडेंस रिलेटिंग टू आस्किंग द मैनेजमेंट एंड एंड फॉलो अप शुड एक्सप्रेस ओपिनियन बिल्कुल नहीं मॉडिफाई करेंगे क्या ईओएम पैरा डालना चाहिए अरे जब कोई डिस्कलोजर है तो अटेंशन किस पे ड्रॉ करोगे सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड में भी अगर ऐसे एग्जाम में एक लेवल आगे चले जाए तो आप क्या लिखोगे क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर मजा आया मजा आया सर अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव पे एज पर एस ए फाइव जीरो वन वॉट इज द करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर फाइव जीरो वन यानी शुन का ऐसे एस सी फॉर एस आई स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम ये कह रहे है, existence और कंडीशन इन्वेंट्री की कैसे चेक करोगे जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है सर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे बट अगर थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक है तो फिर आपको तीन चार अलग प्रोसीजर करने होते हैं तो ये कह रहे हैं मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन पर रिलाई कर लो नारे बाबा ना कंफर्मेशन ले लो अबाउट द क्वांटिटी एंड कंडीशन या फिर आप इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर कर सकते हो बिल्कुल सही चीज थर्ड ऑप्शन वेरीफाई द इनवेंट्री विद द कंपनी सर कंपनी के पास है ही नहीं थर्ड पार्टी के पास है कुछ भी एंड लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं अब कहते हैं क्वेश्चन अमाउंट टू टू बी बी रिक्वायर्ड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लॉज थ्री सेवनटीन सेवनटीन का मतलब है सत्रह सत्रह का खतरा सर खतरा यानी सत्रह में क्या होता है सर सोलह में आरबीआई से कैश लाते हैं सोलह में आरबीआई से कैश लाते कारों में सत्रह में क्या होता है कैश लॉस होता है ओहो हो तो ये कहता है बताओ कितने अकाउंट ऑफ लॉसेज आप यहां पर रिपोर्ट करके चलोगे तो जल्दी से देखो क्वेश्चन में कैश लॉस दे रखा है हाँ सर यह दे रखा है टू पॉइंट नाइन फाइव करोड़ सो द राइट आंसर विल बी सी फ्री के दो नंबर खुश हो गए अब आओ क्वेश्चन सेवन पे एस पर ऐसे पांच सौ दस ये क्या बोलता है आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओ फॉर ओपनिंग बैलेंसेस ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू गेट सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेनर मटेरियल स्टेटमेंट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड तो पहले अपन क्या देखते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड वेरी गुड अच्छा इसके बाद ये कहता है सैप और कैप क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर करने पड़ते हैं हाँ क्या हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी देखनी पड़ती है हाँ. so, तीनों के तीनों सही आंसर है वन टू थ्री सो द राइट आंसर विल बी डी ठीक है ठीक है सर अब आ जाओ सारे पॉइंट मैच हो गए फोर्थ का डी किया ना अपन ने हाँ सर फिफ्थ का क्या किया बी किया सिक्स्थ का सी डी डन अब आओ केस स्टडी टू फटाफट देखेंगे क्वेश्चन कंसीडरिंग नेचर ऑफ़ बिजनेस विच रिपोर्टिंग क्लॉज़ेस ऑफ कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल तो सबसे पहला पॉइंट कहता है वेदर कंपनी हैज़ कंडक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर यहां पर क्या धंधा एनबीएफसी वाला है क्या एफ जी लिमिटेड इन कॉर्पोरेटेड इन दर डिस्टिंग मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग एन बी एफ सी इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है लोन्स ग्रांट करना पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं हेड ऑफिस पुणे में है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता रिमार्केबली इसका नोटेबल अचीवमेंट है फर्स्ट एनबीएफसी टू बी लिस्टेड ओवर द ईयर कंपनी ने अच्छा काम किया है सेबी के साथ कंप्लाई वगैरह किया है एंड उसके बाद उसने स्टैंडर्ड्स भी कंप्लाई करें नॉलेज एंड बैकग्राउंड ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ऑफ लीगल एंड रिक्वायरमेंट। रिकॉर्य ड्यूरिंग दाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नेब्ज किया कंपनी है प्रोडेंशियल गाइडलाइन ऑफ आरबीआई क्या थी सर ये डिपोजिट एक्सेप्ट करने वाली सिंस द कंपनी वॉज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड इन वन केस ड्यूरिंग दर अंडर कंसिडरेशन कंपनी ने पब्लिक डिपोजिट एक्सेप्ट कर लिया ओ हो रिगार्ड मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड डिटेल नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर एक नोट डाला है एंड सब्सिक्वेंटली उसने रीपे कर दिया डिपोजिट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑडिटर फील कीटेंट है और इस पर यूजर्स का अटेंशन आना चाहिए क्या बोला मैटर इंपॉर्टेंट है और इस पे यूजर का अटेंशन आना चाहिए ऑडिटर ऑल्सो सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू फोर्टीन डेटर्स टू कंफर्म द बैलेंस इट वॉज

ठीक है सर ये सेकंड वाला क्लॉज कौन सा है ये है आपका क्लॉज नंबर थ्री याद है अपन लिग्स की बात करते हैं उसके बाद में क्या कहता था तो जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो भी एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं होता सर आप क्या बोल रहे हो हमको तो सर याद ही नहीं है मैंने कहा आओ फटाफट जब भी पॉइंट नंबर थ्री अपन पढ़ते हैं लिग्स तो पहले पॉइंट जो होता है कि आप जो भी लोन्स दिए उनको क्या करोगे सर इसके केस में आप इनको बाइफरकेट करोगे बिटवीन एसएजेवी और याद रखना पहला वाला जो है, किस पे है सारी एनबीएफसी इसी के साथ साथ ये जो ई पॉइंट होता है ना ई पॉइंट दिस इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू तो एनबीएफसी ये ई पॉइंट कौन सा होता है वन ऑफ द बैड लोन जो इस बार पैसे आने वाले थे बट आपने सर क्या कर दिया आपने उसको रिफ्रेश कर दिया आपने उसको क्या कर दिया रिफ्रेश कर दिया रिफ्रेश का मतलब क्या होता है तो रिन्यू कर कर दिया कर दिया एक्सटेंड या फिर फ्रेश लोन दे दिया ये भी एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं होता तो पहला और सेकंड लास्ट पॉइंट एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं होते अब देखो भाई साहब ये जो पार्ट इन्होंने बोला क्या यह पहला पॉइंट होता है नहीं सेकेंड पॉइंट है यह भी एप्लीकेबल होगा फिर थर्ड पॉइंट कहता है वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव आई ये हाँ रिक्वायर है तो यह भी एप्लीकेबल होगा क्लॉज नंबर सिक्सटीन

जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसका ऑडिट पिछली बार मैंने नहीं किया था ठीक है सर क्या इसको लेके कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना होता है और एक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है एस 710 ये कहता है आप इन मैटर्स को रिपोर्ट करोगे इन अदर मैटर पैरा यह हमने कहा सीखा था एस 710 में अभी आपको रेफरेंसिंग दिखा दूंगा डोंट वरी प्लस इसमें पैरा आएगा बिल्कुल नहीं आएगा प्लस ये कहता है आपको सफिशियंट एंड्रोप्रेट एविडेंस देना है दैट ओपनिंग डोंट कंटेन एनी मटेरियल सौ ये किसने सिखाया ऐसे 510 ने तो 710 और 510 इन दोनों की वजह से द राइट आंसर विल बी वन एंड थ्री वेरी अमेजिंग क्वेश्चन बाय आईसीआई अगर आपको देखना एक बार फटाफट आप अपने ऐसे सात के नोट पे आ जाओ मजा आ जाएगा तुमको आ गए सर आ गए सर हम सात के नोट पे आ गए सर अब देखो ये क्या कहता है जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रायर पीरियड है उनका ऑडिट किसी और ने किया किसी और ने ने यानी ऑडिटर तो आप एक अदर मैटर पैरा डालते हो सर अदर मैटर पैरा में आप क्या डालते हो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अ बाई ऑडिटर उसने क्या ओपिनियन दिया एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ इट इज नॉट ऑडिटेड तो भी ये क्या जाता है अदर मैटर पैरा में जाता है तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपकी अदर मैटर पैरा में जाएगी उसके अलावा अगर डिस्क्लोजर दे दिया इसका मतलब ये नहीं एविडेंस नहीं लेना अभी भी आपको एविडेंस तो लेना है दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बात समझ में आती है मित्रों आती है है सर तो ये एकदम प्यारी सी बात है जो आपको समझ के चलनी है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इन द गिवन केस व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर एस ए टू फिफ्टी अगर ये गाइडलाइंस का जो वायलेशन हुआ है सर गाइडलाइंस का वायलेशन क्या हुआ है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया जबकि डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी नहीं थी सबसे पहले मुझे एक बात बताओ ये जो मैंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे ठीक है और जबकि ये करने नहीं थे इसके ऊपर आपने देखा मैनेजमेंट ने एक नोट uh, डाला था हाँ सर और वो नोट फंडामेंटल है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यस सर तो हम इसमें क्या करेंगे सर हम इसमें ईओएम पैरा डालेंगे तो पहला पॉइंट कहता है आप इसमें अदर मैटर पैरा डालो मैंने कहा वेरी बिल्कुल नहीं ये कहता है ईओएम पैरा सही है ये कहता है ईओएम पैरा तो डालो साथ ही साथ आरबीआई को भी बताओ अब सोचो क्या आरबीआई को बताने की जरूरत थी अगर NBFC कुछ हरकतें खराब करती है, सर, एक याद है आपने हमको में में एक टॉपिक पढ़ाया था। था सर सर का का मतलब था, जो भी आपको ऊपर तीन बातें बताई क्या मतलब होता था एक होती थी हमारी जनरल रिपोर्टिंग फॉर ऑल एनबीएफसी होती थी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लास्ट वाली होती थी जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती इसमें आप एक चीज देखते थे क्या इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं किया तो क्या मैं बोल दू यहां पे क्योंकि ये अनफेवरेबल चीज है तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करनी पड़ेगी आंसर इज यस सो राइट आंसर क्या होगा सर ईओ एम पहला तो आएगा आए ही आएगा साथ ही साथ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई सो द राइट आंसर विल बी पॉइंट नंबर सी बात समझ आई मित्रों यस सर केस सिनेरियो टू डन डना डन डन अब आ जाओ केस सिनेरियो थ्री के पास चलते हैं फटाफट ऑल द केस सिनेरियोज़ आर ऑलमोस्ट डन आओ क्वेश्चन नंबर इलेवन वेदर द एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अगर ऑन जी एस टी जैसे ही इन्होंने बोला ट्रेनिंग सेशन मेरा दिमाग कहां गया एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन जो कौन से हैं पुराने नहीं नए नए आए हैं सर नए नए डिसीजन आए हैं तो ये कह रहे हैं कि ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन दो सी एस मिलकर ले सकते हैं और क्या उससे जो फीस आई वो शेयर कर सकते हैं आंसर इज यस वो कर सकते हैं सर ये कहां लिखा है जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन आए नए नए वहां पर लिखी है बात तो ये कहता है फॉर द क्लाइंट एंड शेयर द फीस कलेक्टेड बाय बोथ ऑफ दैम अगर आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स के नोट पे जाओगे तो आपको ये चीज एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाएगी फटाफट ई एस बी डिसीजन पे आओ ना ये रा देखो Permissible for two or more CA in practice to collectively have joint training sessions on GST and share the fees collected. अगर आपके notes थोड़े पुराने हैं, last year आपने purchase किए थे, तो ये चीज़ आपके notes में नहीं होगी, तो सर हमको क्या करना है? ऑलरेडी मैंने ये जो ई एस बी डिसीजन वाले पॉइंट है इस पर आपका यूट्यूब पे लेक्चर डाल रखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो प्लीज इस वीडियो के बाद देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इवन जो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा ना अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको इसके नोट्स भी एज अडेंडम मिल जाएंगे ठीक है मैंने ऑलरेडी अडेंडम जो इशू कर रखा है उसमें इंक्लूडेड है ठीक है सर अब सर हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन हो गया अब आओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे विध रिगार्ड टू बी आर एस आर यह क्या था बिजनेस रिस्पॉसिबिलिटी रिपोर्टिंग हम इमरजिंग एरिया टॉपिक्यूचर एनर्जी कंजम्पन प्लान हाउ डू यू ट्रीट दैम तो देखो दो चीजें इस केस में एक डेटा है टोटल एमिशंस का एंड सेकेंड केस क्या है फ्यूचर एनर्जी कंजम्पन प्लान मुझे एक बात बताओ कौन सी चीज जरूरी होनी चाहिए सर जो आपने टोटल एमिशन करी ना उसके बारे में बताना जरूरी होना चाहिए क्योंकि वो एनवायरमेंट को खराब करेगा ये एक बेसिक चीज है जो आपको मैंडेटरीली बतानी चाहिए ठीक है सर और ये जो फ्यूचर प्लान्स वगैरह है ना दिस शुड बी ऑप्शनल दिस शुड बी ऑप्शनल फॉर द एंटिटी तो ये कहता है डिटेल्स ऑफ द एमिशन

ये कह रहा है कंपनी हैज फॉर इट्स एनर्जी कंजम्पशन कैटेगराइज अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट तो मुझे बताओ जब भी मैं एनर्जी कंजम्पशन की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं एनवायरमेंट की तो क्लॉज सिक्स एनवायरमेंट को कर दो फिक्स तो सर यहां पे क्या आएगा प्रिंसिपल वन आएगा मैंने कहा नहीं प्रिंसिपल सिक्स आएगा हां प्रिंसिपल फोर आएगा नहीं और प्रिंसिपल सेवन नहीं सर फोर किसकी बात करता था फोर आपसे बात करता था बेसिकली स्टेक होल्डर्स की सब स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखो बिकॉज थ्री में आप इंप्लाइज की बात करते थे, थे सबका रखेंगे तो ये सब का कोई रोल नहीं है. अब वो अलग बात है अगर यहाँ पे प्रिंसिपल टू भी दिया होता तो टू और सिक्स को साथ लेके चलते है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे बाई एक्सेप्टिंग द ऑफर टू बिकम अम्बर ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अवाईसी कोपेटिव बैंक डू यू थिंक राम वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अब सर सीटिव बैंक का ये जो रिसीजन स्टैंडर्ड बोर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज परमिबल प्रैक्टिस टू बिकम अंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंक तो सर सारे बच्चे बोलो हमको रूरल में नहीं जाना हमें जाना है, अर्बन में तो याद रखना जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है प्राइमरी सेकेंडरी हमको नहीं चाहिए हमको सब प्राइमरी चाहिए तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आप बोर्ड मेंबर बन सकते हो उनके आप डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकते हो याद रहे डे टू डे फंक्शनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए बैठ के फीस लो बैठ के फीस लो यानी सिटिंग फीस आप ले सकते हो क्या बात है सर अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मामला है क्या आप गिल्टी हो गए ये कहते हैं ये गिल्टी होगी बिकॉज ऑफ एक अनदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन की मैं बात करो मैंने कहा नहीं ये वाला पॉइंट तो इन्होंने लिखा ही नहीं प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंक इट इज परमिबल फॉर अ सी एंड प्रैक्टिस टू बिकम अ मेंजमेंट इन अ प्राइमरी रूरल सर रूरल नहीं जाएंगे अर्बन जाएंगे इट इज परमिसेबल टू बिकमर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंक सो नॉट गिल्टी आंसर इज ये सी करेंगे एंड डी कह रहे हैं गिल्टी है अंडर पार्ट थ्री अदर मिसकंडक्ट गलत बात सो द राइट आंसर सी अब आ जाओ क्वेश्चन इन दिवन केस इट इज सी एक्मन इज प्रेक्टिस इक्विटी रिसर्च एडवाइजर क्या मैं इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता हूं हाँ सर बट याद रहे आप रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते अगर रिपोर्ट्स पब्लिश करी तो उसको धंधा माना जाता है और बिजनेस ऑक्यूपेशन में आप गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज इलेवन पार्टन ऑफ फर्स्ट कड्यूल सो डू यू थिंक लक्ष्मण गिल्टी सो आपने क्या बोलना है

भर भर के एमसी क्यूज आए आपके प्रोफेशनल एथिक्स से तो प्लीज प्रोफेशनल एथिक्स से कोई कमी नहीं छोड़नी दूसरी चीज स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ के चलो एंड तीसरी चीज एक आध जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है अब सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से पानी के दो घूंट लगाओ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर करते हुए चलते हैं एकदम ईजी इजी प्यारे प्यारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मजा आ जाएगा चलो लेट्स पार्ट सबसे पहले सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की अब सर क्वेश्चन नंबर वन की लास्ट लाइन पढ़ा करो जब भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए ड्राफ्ट द पैरा यानी पहले तो सम पहचानना पड़ेगा ओपिनियन देना क्या है उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट जब भी क्यों सर फ्री के नंबर है तो सबसे पहले हमें ओपिनियन पहचानना देना क्या है तो फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ आइडेंटिफाई करेंगे ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन बैंक में है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस कंपनी द कंट्री ड्यंग दर अंडर ऑडिट कंपनी एंटर्ड इंटू अटेंचर कंपनी ने क्या किया ज्वाइंट वेंचर जो ऑडिटर है धर्म एंड एसोसिएट्स उन्होंने उनको एविडेंस नहीं मिला सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट एविडेंस नहीं मिला अबाउट अ सिंगल एलिमेंट बींग द ज्वाइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट जो एटी नाइन परसेंट ऑफ द ग्रुप नेट एसिट्स का पार्ट बनती है एंड इट इज बोथ मटीरियल एंड परवेसिव पॉसिबल इफेक्ट भाई साहब आईसीआई खुद लिख के दे रहा है आईसीआई खुद लिख के दे रहा है कि एक ही आइटम है एंड दैट इज अबस्टेंशियल आइटम सो बोथ मटीरियल एंड परवेसिव तो मुझे एक बात बताओ जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो कंक्लूजन किस बात का अगर कंक्लूजन ही नहीं है तो ओपिनियन किस बात का अगर ओपिनियन ही नहीं है तो क्या करते हैं सर हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करके चलेंगे अब कोई बच्चा बोलेगा विद्रॉ कर दो पूछा तुमसे सीधा बोल रहा है ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट करो तो ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट करेंगे ये नहीं करना विद्रॉ करेंगे हमको ओपिनियन ड्राफ्ट ही नहीं करना ना 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 तो आप बोलोगे बिकॉज इंपैक्ट इज बोथ मटीरियल परवेसिव वी विल मिनियन डिस्कलेम क्या बोलेंगे इन अवर ओपिनियन नो 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 हम अपने आंसर की स्टार्टिंग करेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन तो जब भी आप डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन के एक्साम्पल पढ़ोगे हमेशा आंसर की स्टार्टिंग यही से होती है वी डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे क्या मैं बोलूं इन मैटर्स के अलावा बाकी सब ठीक है या इन्हीं मैटर्स की वजह से हम ओपिनियन खराब दे रहे हैं सर इन्हीं इन्हीं मैटर्स की वजह से हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर जो हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बताया हमको सफिशियंट एंड्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला अगर सफिशियंट एंड्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है तो वी डोंट हैव एनी बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन तो पहला पॉइंट क्या है इन अवर ओपिनियन नो वी डोंट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन क्यों नहीं एक्सप्रेस करते इनकी वजह से बोलो किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर डिस्कलेम ऑफ ओपिनियन सेक्शन हमको क्या नहीं मिला एविडेंस नहीं मिला एविडेंस ही नहीं है सो देयर इज नो बेसिस टू गिव द ऑडिट ओपिनियन क्या चारों पॉइंट्स अपने को ध्यान देंगे डोंट एक्सप्रेस द ओपिनियन क्यों बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर हमको क्या नहीं मिला एविडेंस नहीं मिला क्योंकि एविडेंस नहीं है तो कोई बेसिस नहीं है टू गिव द ओपिनियन अब इन्होंने सर आंसर की स्टार्टिंग थोड़ी अलग से करी है इन्होंने स्टार्ट कैसे किया वी वर इंगेज टू डू द ऑडिट तो ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना जब भी आप डिस्क्लेमर डिस्लेमर ओपिनियन दे रहे हो तो ये वाली बात तो लिखोगे लिखोगे इसके ऊपर एक पैरा और डाल देना हमको इंगेज किया गया था टू डू द ऑडिट ऑफ द एंटिटी एंटिटी का नाम ऊपर लिखा है सब्सिडीज की बात आप करोगे और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है घबराना मत वही चीजें लिख रखिए बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो एंड कैश फ्लोज के साथ आ जाते हैं

लाइबिलिटीज़ पे इनकम पे एक्सपेंसेस पे और कैश फ्लो तो एसेट लाइबिलिटी बैलेंस शीट आइटम हो गए इनकम एक्सपेंसेस पीएनएल आइटम हो गए और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर दी अब आओ क्वेश्चन हाउ सी शुड प्रोसीड विद इशू सर पूरा क्वेश्चन पढ़ो सी शोभित इज कंडक्टिंग लिमिटेड कंपनी ऑडिट खत्म होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हाउ

2024 क्या हो गया मेरी बैलेंस शीट डेट hmm. अब ये क्या कह रहा है ऑडिट कब खत्म हो रहा है जुलाई 2024 क्या मैं बोल ऑडिट रिपोर्ट की डेट यहां होगी जुलाई 24 में यस yes, सर अब सर इसको पता चला है एक लीगल क्लेम आया है ये लीगल क्लेम कब आया फर्स्ट जून को तो यानी यहां पे लीगल क्लेम आ गया लीगल hmm. क्लेम आ गया हमारा फर्स्ट जून 2024 अब ये लीगल क्लेम रिलेट किसको करता है सर हमने एक सेल करी थी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले एक सेल करी थी यानी अगस्त 2023 में जो सेल हुई थी उसको लेके लीगल क्लेम आया है तो क्या मैं बोल दूं ये जो कंडीशन थी ये एग्जिस्ट करती थी ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको लेके कोई इवेंट हुआ है जो इसको लेके एविडेंस दे रहा है सो so, क्या मैं बोल दूं दिस लीगल क्लेम शुड बी अकाउंटेड ऑन दिस डेट यानी दिस इज अ

ट ऑन दिस इश्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बताओ सीए शोभित को क्या करना चाहिए पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट है इट इज अब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एडजस्टिंग या डिस्कलोजर वाला एडजस्टिंग तो अपन क्या करेंगे जनरली अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रोविजन प्रोविजन में आएगा यर इज अब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ रिपोर्ट जो एविडेंस दे रहा है ऑफ द कंडीशन ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट की क्या प्रोविजन समझ आया सर आया, अब प्रोविजन के साथ साथ क्या आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर लिखने चाहिए जो आप डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो क्या क्या प्रोसीजर होते थे सबसे पहले इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि क्या कोई इवेंट अकर हुआ बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट अगर हुआ तो क्या आपने उसको एडजस्ट और डिस्क्लोज किया उनके मेथड्स की लेते थे, करते थे, सर बड़े बोरिंग लोग रीड करते थे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ साथ और क्या रीड करते थे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ यानी और लास्ट में लेते थे शेरा वाली शेरा वाली हम वे वा, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सो दोस्तों

एडजस्टमेंट एंडक्लोजर आर डन मैनेजमेंट अगर नहीं करते देन यू कैन कंसिडर द इम्पैक्ट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली मित्रों हाँ सर सर यहाँ पे मॉडिफाई क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमें अभी नहीं पता चार करोड़ मटेरियल है या नहीं तो इन लोगों ने भी एकदम सेफ खेला कि आप इसका इंपैक्ट देखो एंड यू कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली डील डन डन सर अब सर बैंक ऑडिट में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बैंक में तो नहीं है बट ये वी डू कवर इट एज अ पार्ट ऑफ द नोट सर इसका नाम क्या है कि आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को कैसे चेक करोगे तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को सर कैसे चेक करते हैं

तो जो नॉर्मल बैलेंसेस है उनको भी सैंपल बेसिस पे पे चेक करेंगे अब एक बात बताओ इन अकाउंट्स मिलता क्या है इंटरेस्ट मिलता है बट क्या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना बाबा ना सिर्फ सेविंग अकाउंट पे मिलता है तो चेक द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेस्ट चेक बेसिस और याद रहे नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट क्या आपको तीन पॉइंट क्लियर हो गए ओपन ड्यूरिंग द ईयर जो नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर थे उनको सैंपल बेसिस पे देखिए उस अकाउंट पे, पे क्या मिलता है इंटरेस्ट तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए सर एक बात बताओ ये एक बैंक की लाइबिलिटी है टू द थर्ड पार्टी जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है कौन सा पॉइंट दिमाग में आना चाहिए बैलेंस कंफर्मेशन सो वेरीफाई बैंक्स प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग बैलेंस कन्फॉर्मेशन एंड लास्ट में एक अजीब सा पॉइंट ध्यान रखना

जो सेविंग अकाउंट है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं होता बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट होता है बाकी अकाउंट्स को आप सैंपल बेसिस पे देख सकते हो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लेना और याद रहे नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट एकदम सारे कीवर्ड्स प्यारे तरीके से आपको पे हाईलाइट करके दे रखे हैं फिर सर क्योंकि थर्ड पार्टी है तो बैलेंस कंफर्मेशन आएगी वो भी आप सैंपल बेसिस पे ले सकते हो सब लेने की जरूरत नहीं है और मसाला क्या था अगर कहीं डेबिट बैलेंस है तो उसको लाइबिलिटी साइड पर नेट ऑफ मत कर देना

एज पर आरबीआई गाइडलाइन इनको हम डॉर्मेंट या इन ऑपरेटिव अकाउंट कब बोलते हैं वेन देअर इज नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टू ईयर तो इन केसेस में भी आप सैंपल बेसिस पे देखना सर इन ऑपरेटिव अकाउंट इज जस्ट लाइक आप ऐसा बोलो अकाउंट बेहोश पड़ा है क्या पड़ा है अकाउंट बेहोश पड़ा है तो so, अगर ऐसा कोई बेहोश अकाउंट है

अब आ जाओ सर चैप्टर सिक्सटीन का आपका एक क्वेश्चन है एस ए चौतीस सौ चौतीस सो किसकी बात करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लास्ट लाइन रीड करेंगे वट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाई यू वेन यू आर डिटरमाइनिंग द आंटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन द रिव्यू ऑफ सेम सर किसको रिव्यू कर रहे हैं पहली लाइन पढ़ो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या ये चीज हमने क्लास में कवर की थी यस yes, सर चार्ट बनाया था पूरा क्लास में तो फटाफट फड़ एक बार अगर आपने नोट्स पे आओगे ऑफ दिस चैप्टर तो आपको ये चीज मिल जाएगी जस्ट गिव मी अ सेकंड हाँ जी मित्रों सो so, मैंने आपको ये चीज लिखाई थी कि दैट नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऑफ पीएएफआई इसके लिए क्या-क्या मैटर्स कंसीडर करने आई से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है देखो एमटीपी में पूछ लिया एग्जाम में भी पूछ सकता है तो ये अपने को ध्यान रखना बहुत ईजी हो जाएगा अगर अपन इसको डिवाइड कर दें सर डिवाइड कैसे कर दें कुछ पॉइंट्स आपके इंगेजमेंट टीम वाले हैं कुछ पॉइंट्स मैनेजमेंट वाले हैं और कुछ पॉइंट्स आपके बिजनेस वाले हैं सर इंगेजमेंट टीम के पास क्या होना चाहिए क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं होती तो इनके पास होना चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस तो आप देखोगे इनके पास क्या नॉलेज आई है इन द प्रीवियस इंगेजमेंट्स प्लस

मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पी एफ आई प्लस कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है एक्सटेंड टू विच द पी एफ आई इज अफेक्टेड बाई मैनेजमेंट जजमेंट लास्ट पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस तो बस यही पांच पॉइंट आप कवर करके चल सकते हो अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ चैप्टर सेवनटीन योर फेवरेट चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग अब सर डिजिटल ऑडिटिंग में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रिमोट ऑडिटिंग छोड़ के मत जाना

जिससे आपका रिमोट ऑडिट इफेक्टिवली भी होगा और उसमें सिक्योरिटी भी होगी कम ऑन दो चीजें किस पे फोकस करनी है इफेक्टिवली भी होगा सिक्योरिटी भी होगी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से रिमोट ऑडिटिंग के जो क्लास नोट्स बनवाए थे ना उसपे आ जाओ आ गए सर रिमोट ऑडिटिंग का सबसे पहली मतलब घर बैठे ऑडिट करना रिमोट ऑडिटिंग घर बैठे ऑडिट तो तो मतलब करना इलेक्ट्रॉनिक मोड और और अब सर इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर करके चलने तो सबसे पहले देखो आप कर पाओगे कर पाओगे तो मैंने कहा प्लानिंग में क्या करते तीन चार चीजें देखते हैं कब तक ऑडिट खत्म करना है अब सर ऑडिटिंग में हमको बातचीत तो करनी पड़ेगी वरना क्लाइंट को सपना आएगा कि मुझे क्या चाहिए यानी देयर शुड बी सम मीटिंग प्लेटफॉर्म टिंग 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 एम एस टीम्स वगैरह आप यूज करते हो जूम वगैरह यूज करते हो तो मीटिंग प्लेटफॉर्म देख लिया अब सर टाइमलाइन पता चल गई टाइमलाइन कैसे पता चली मीटिंग करके अब मीटिंग करके क्या मांगते हैं हम क्लाइंट से डेटा तो सर डेटा के लिए क्या चाहिए डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे EY में अपन लोग क्या करते थे EY कैनवास यूज करते थे तो क्लाइंट का एक पोर्टल होता था जिसमें हमको क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे अब सर जब क्लाइंट का डॉक्यूमेंट आ गया पोर्टल पे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए एक्सेस ऑथोराइजेशन तो एकदम फ्लो में चलेंगे मजा आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट क्या है सर हमने एग्री कर ली टाइमलाइन कहा मीटिंग में मीटिंग प्लेटफॉर्म फिर क्या चाहिए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड लास्ट में एक्सेस ऑथोराइजेशन अब जब आपने प्लानिंग कर ली अब देखो फीजिबिलिटी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है ऑडिटर और ऑडिटी ने प्लानिंग हो गई फिजिबिलिटी हो गई अब आ जाओ एग्जीक्यूशन सर एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे मीटिंग था उस पे वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करो सो यूज वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्लाइंट प्लस डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेंगे थ्रू द डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है प्लानिंग फिजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन अब सर यह कहता है हमको थोड़ा डर लग रहा है किसको लेके फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी तीनों सिमिलर पॉइंट से ध्यान रखना सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी क्या होना चाहिए सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे ना उस पर सबका एक्सेस नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए सो एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी रिस्ट्रिक्टेड अब जब डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो गया उसको आर्काइव कर दो आर्काइव कर दो यानी आपने चीज ऐसे 230 में पड़ी होगी जो भी ऑडिट फाइल है उसको रिटेन करना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ

डेटा निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज अ वेरी सिक्योर्ड वे तो हम वीपीएन टू एक्सेस द आई आपने सिस्टम बातें ध्यान रखनी है सर, क्या? Access, archival, access, archival, का मतलब है, जो भी डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उस पे द एक्सेस शुड भी रिस्ट्रिक्टेड आर्काइवल का मतलब है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन इज डन एंड रिव्यूड उसको आप क्या करोगे रिमूव कर दोगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म एंड थर्ड पॉइंट है लॉज रेगुलेशन और एग्रीमेंट के हिसाब से चलना सर एग्रीमेंट में दो बातें क्या लिखी थी स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं है वो भी ऐसा बोलते होंगे हाँ तो ये कह रहे हैं कहता है सर हमको जो भी डेटा लेना है वो हम कैसे ले रहे हैं वीपीएन के नेटवर्क के थ्रू वीपीएन टू एक्सेस द आई टी सिस्टम एंड लास्ट में सर रिस्क क्या असेस करनी है रिस्क बस इतनी असेस करनी है क्या रिमोट ऑडिटिंग काफी है क्या रिमोट ऑडिटिंग सफिशियंट है अगर हाँ तो डॉक्यूमेंट करो कैसे आपने रिस्क असेस से रिमोट ऑडिटिंग इज सफिशेंट फॉर यू तो बाबू अगर आप इस पॉइंट को देखोगे ना तो अगर आप समझ के भी लिख रहे हो आई चुपचाप आपको पांच में से तीन चार नंबर दे देगा इफ यूर की आर करेक्ट तो प्लानिंग में शुभम सर ने क्या बताया था सर हम एग्री करेंगे ऑडिट कब तक खत्म करना टाइम नहीं कहां एग्री करेंगे मीटिंग प्लेटफॉर्म वही नाम दे रखें जूम कॉल माइक्रोसॉफ्ट टीम तुमको ऑलरेडी आते हैं तीसरी चीज जो डॉक्यूमेंट मांगा मीटिंग में वो किसमें मिलेगा डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसको आप बोल सकते हो डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड सर उसकी एक्सेस ऑथोराइजेशन मिल जानी चाहिए फिर देखो प्लानिंग के बाद क्या देखते थे फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी में आपने देखने क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है ऑडिटर और

ये कहता है हमको प्रॉपर डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है एक्सेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड जब भी इंफॉर्मेशन का रिव्यू हो जाए डॉक्यूमेंट हो जाए उसको रिमूव कर देना एंड स्टोर कर देना एज पर द आर्काइविंग स्टैंडर्ड डील डन सर

क्या ये रिमोट ऑडिटिंग सफिशियंट है अगर है तो आप डॉक्यूमेंट करके चलो कि इट रिस्क असेसमेंट शुड बी डन फॉर रिमोट ऑडिट की क्या ये होगा अगर हाँ तो आप इस चीज को डॉक्यूमेंट करके चलोगे फॉर ईच ऑडिट बात समझ आती है आती है सर नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा डिजिटल ऑडिटिंग में डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम योर परफेक्शन करने जाओगे तो भाई साहब इस चैप्टर को कितना आना है सर आईसीए की वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो थ्री टू सिक्स परसेंट थ्री टू सिक्स परसेंट का मतलब होता है सौ में से तीन से नंबर तो मैक्स टू मैक्स चार नंबर का डिस्क्रिप्टिव और दो नंबर का एमसीक्यू इसमें से आ सकता है Got it? Got it, सर अब आ जाओ चैप्टर नंबर नाइनटीन कारो ट्वेंटी ट्वेंटी हमारा फेवरेट पार्ट ये कहता है डिस्कस द रिपोर्टिंग रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ इन फॉलोइंग सिचुएशन सबसे पहले सर सिचुएशन नंबर वन की बात करते हैं ध्यान से समझना

बाद में मिस्टर सदांत वॉज परसुएडेड टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ अ लार्जर प्लॉट ओन्ड बाय द कंपनी तो कंपनी ने क्या किया एक बड़ा प्लॉट दिया डायरेक्टर को और डायरेक्टर से छोटा प्लॉट ले लिया क्या मैं बोल दू प्लॉट दिया प्लॉट लिया कोई कैश नहीं दिया लिया प्लॉट दिया प्लॉट लिया कोई कैश नहीं दिया लिया यानी दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और रिलेटेड पर्सन कौन सा क्लॉज जाग गया सर आपने हमको पढ़ाया था क्लॉज तेरा में रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी ने क्या किया था फ्रॉड जो किसने पकड़ा था 14 में इंटरनल ऑडिटर ने 15 में इंटरनल ऑडिटर ने कहा कैश नहीं है तो जब भी नॉन कैश की बात होगी कौन सा क्लॉज आएगा 15 पैरा थ्री कार्वेंटी ट्वेंटी इस केस में कौन से सेक्शन से कंप्लाई करना पड़ता है सेक्शन नंबर 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अच्छा एक बात और बताओ लगे हाथों तो और जाग जाएगा सर डायरेक्टर हमारी रिलेटेड पार्टी होती है तो क्लॉज भी साथ साथ करना जो मोस्टली इस केस में मिस आउट करके चलते हैं अब यह कहता है प्लॉट इज लोकेट ऑन नियर बाई स्ट्रीट डबल द साइज ऑफ सिद्धांत लैंड द एक्सचेंज सिद्धांत एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एक्सचेंज रीड बन गई और सारा काम कंप्लीट हो गया बाय थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब सर आप पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन समझ आ गया कौन कौन से क्लॉजेस बताओ जल्दी से सर क्लॉज नंबर फोर्टीन और क्लॉज नंबर थर्टीन पार्ट टू कहता है एक टीडीएस सर्वे कंडक्ट हुआ था इन द प्रमाइसिस ऑफ अ कंपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर्वे टीम ने पॉइंट आउट किया देर वर लेप्सिस ऑन नॉन डिटक्शन ऑफ टी एंड उसने एक डिमांड रेस करी है पच्चीस लाख की एज अ असेसियन डिफॉल्ट कंपनी ने इसको डिपॉजिट नहीं कराया और अपील फाइल कर दी अपील फाइल करी जेसीआईटी अपील्स में मुझे एक बात बताओ कौन सा क्लॉज आएगा स से सेवन स से स्टैचुट्री ड्यूज अच्छा सेवन में कौन सा अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड जब भी डिस्प्यूटेड स्टैचुट्री ड्यूज होते हैं तो सर क्या करते हैं दो चीजें रिपोर्ट करते हैं अमाउंट एंड वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग सो अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है लाख रुपए क्या है forum है है जेसीआईटी अपील तो इस तरह से आपने अपना आंसर लिखना है, सबसे पहले ऊपर वाले के लिए क्या आएगा क्लॉस पैरा थ्री कारो ट्वेंटी ट्वेंटी हमें रिपोर्ट करनी है क्या? क्या कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई डायरेक्टर और उनके कनेक्टेड पर्सन से अगर हां तो सेक्शन 192 की कंप्लाइंस चेक करो क्योंकि डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है तो एक और क्लॉज जाग गया क्लॉज थर्टीन पैराथ्री कारो ट्वेंटी ट्वेंटी रिलेटेड पार्टी में दो ही चीजें होती है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए डिस्कलोड होनी चाहिए अप्रूव्ड किसके हिसाब से सेक्शन वन सेवेंटी सेवन वन एटी एट डिस्कलोज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर यह क्या कहता है

बढ़ेंगे अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस मजा आया नहीं आया आ गया सर चलो कीप गोइंग